हाय, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गजरा को पहनने का डिफरेंट तरीका। एंड ये गजरा जो है वो मैंने खुद बनाया हुआ है। एंड कैसे बनाना है तो इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अभी मैं आपको गजरा को पहनने के अलग अलग तरीके बताती हूँ, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैंने गजरे को हेड बैंड की तरह यूज़ किया हुआ है एंड बॉबी पिन की मदद से मैंने इसको टाइट कर दिया हुआ है ताकि ये गजरा निकले ना। सो गाइस, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, टियारा जैसा लुक दे रहा था। एंड यहाँ पर मैंने नॉर्मल चोटी बना ली एंड इसमें गजरा को राउंड राउंड कर दिया, तो ये साउथ इंडियन लुक में बहुत अच्छा लगता है एंड नॉर्मल भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने पीछे भी ये ट्राई करके देखा तो ये भी मुझे अच्छा लगा। एंड यहाँ पर मैं आपको जूड़ा बनाने का एक बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ। तो आपको सबसे पहले नॉर्मल चोटी बना लेना है एंड इसको थोड़ा मैसी कर ले। एंड लास्ट में नॉर्मल जूड़ा बनाते ना रेगुलर बेसिस पे, वैसे आपको जूड़ा बनाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसका रवो बैंड का है, क्योंकि रवो बैंड अगर आप जूड़े में कर देते हैं ना तो ये पूरा फिक्स हो जाता है एंड जूड़ा बिल्कुल लूज नहीं होता है, ना ही निकलता है। एंड चाहे कितना भी डांस कर लेना, ये बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है। एंड आप यूपिन की मदद से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं और फिर आप अपना गजरा पहन लें। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली साड़ी अगर आप पहनते हैं तो। वैसे तो ये सभी पे अच्छा लगता है बट साड़ी पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, एंड यहाँ पर ये वाला जो मेथड है गजरा को पहनने का वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसकी वीडियो भी ज़्यादा शूट नहीं की थी। तो यहाँ पर ये लास्ट वे है गजरा को वेयर करने का। तो मैंने नॉर्मल चोटी में भी इसको वेयर करके देखा था तो उसमें भी बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने गजरे को कैसे बनाया हुआ है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ ली गई हैं एंड दोनों को अच्छे से फोल्ड करना है एंड सुई धागा की मदद से आप इसको ऐसे बनाते चले जाना है। ध्यान रहे कि जो व्हाइट वाला पोर्शन है गुलाब के पंखुड़ियों का वो लास्ट में होना चाहिए, जिससे आपका जो गजरे का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ये हेडबैंड वाली कुछ क्लिप्स ऐड करी हुई हैं, जो कि मेरे से ये प्रॉब्लम आ रही थी तो आप लोग भी ना करो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप ये वाला ट्राई करते हैं तो आपको अच्छे से पिनअप करना है, लाइक आप या तो बॉबी पिन या नॉर्मल क्लिप की तरह टिक टैक वाली क्लिप से आप इसको टाइट करें तो ये बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको इन डिफरेंट तरीका में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका लगा।